पूत कपूत सुने हैं परना माता सुने कुमाता सब पर करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली हम तो मांगे तेरे मन का एक छोटा सा सोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली
सुपारी मांग लाऊंग भेंट, नारियल के संग में श्वेत रक्त श्याम वर्ण भगवती के अंग में, रत्नम सदानी हानि अरिकरक्ष चारणी, रत्नम सदानी हानि अरिकरक्ष चारणी, महाकाली कान के संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयार्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। चले दुर्गा अमृत वाणी पाठ करते हैं। मंगलमय भय मोचनी दुर्गा सुखी, जिसके चरणों की सुधा स्वयं पिए भगवान, मार्ग पर करे श्री नयन का ये उपदेश,
पूरण हो मन कामना, आगे दुख संता मन कर कावेश्वरी शक्ति अपरम पार, इसका अर्चन जो करे अब से दुख रहे पार। दुर्गा शोक विनाशनी ममता के हर रूप, सखी सत्वी सखबंधी सुख के कला, सिद्धि पर भी रख जाओ राशि योनिया से मुक्ति दे, महामाया जगदम्बिके जब भी दया करें। दुर्गा दुर्गति नाशिनी शिव वाहन पालनहारक्षित, भोजन है जिस पर माता नगरिया पे उसकी कभी न बिगड़े जग कल्या। संकट हरणी भगवती की तू माला पे, चिंता सकल मिटाएगी हरि न लागे दे। परस चरणन दुर्गा के झुक झुक माता के, को करे अद्भुत कौतुक दे। अवतारक परमेश्वरी लीन करे आनंद, इसके वंदन भजन से नवरात्रि की पांचवी रात्रि में आप सभी का सुस्वागत है। माँ का सच्चा दरबार, साचे दरबार के नाम से जाना जाता है माँ का दरबार। करुणामय रूपी, ममतामय रूपी, दयामय रूपी माँ दी शक्ति जगत जननी, जिनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी गाथा
और लीला का आदि ना अंत है, उस पराशक्ति, उस परा परम ब्रह्म भुवनेश्वरी माता, जो सारे विश्व की रचयिता, पालनहार और संहार करने वाली, वो मां की पावन पुनीत एवं नवरात्रि का पांचवा दिवस सभी भक्तजनों का पदार्पण, मां की भजन कीर्तन, आप सभी का आना शुभ हो। चले कथा में, आज कथा हम लेकर चलते हैं और ब्राह्मण के चरणारविंद में अभिनंदन करते हुए बाबा गणपति महाराज की आश्रय को लेकर, जिनकी अनुकंपा से हर एक कार्य बिना बाधा विघ्न को पूर्ण होता है, जो माता आदि शक्ति की स्वयं रचना तक है, स्वयं गणेश जी महाराज कृपा निधि दया निधि, उस प्रभु को अभिनंदन करते हुए कथा को श्री गणेश करते हैं। आज पांचवी रात्रि कहते हैं कि आज स्कंद माता का विशेष पूजन होता है। स्कंद माता भगवान शिव की प्रिय अर्धांगिनी, योग नव दुर्गा अगर देखा जाए, नव दुर्गा का रूप ही स्वयं शिव से है। शिव पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है, कालिका पुराण में वर्णन किया है, दुर्गा देवी भागवत में भी इसका वर्णन आया है। कल की कथा हमने आपको भस्मासुर के विषय में सुनाया, भस्मासुर ने तपस्या किया, प्रसन्न हुए भोलेनाथ, वरदान दे दिया कि जेकर सिर पे हाथ रखोगे वो भस्म होगा, ऐसा ही तो मांगा था। जो स्वार्थी लोग होते हैं वो अपने लिए मांगते हैं, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। भगवान, हमने आपके चरण में 20 जुला चढ़ाया था और हम चाहते कि हमारा ये काम हो जाए, तो भगवान को भी ब्राइब करने लगे, शुड बी रिपोर्टेड टू 5K। और जब काम नहीं बना तो पहला उंगली जाता है परमात्मा के ऊपर, हमने आपका पूजन किया, हमने देवी भगवान भागवत की निष्ठा किया था, हमने ये निष्ठा किया था, हमने 5 दिवस रामायण की मांग की थी, हमने हनुमान जलसा का पाठ किया था, प्रभु ये सब कर दिया, फिर भी हमारा काम नहीं बना, तो उंगली उठाते किस पर? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, अपने आप को नहीं, हम अपने स्वार्थ बन जाते हैं, फॉर पर्सनल गेन। भस्मासुर पर्सनल गेन के लिए किया था, मैया हमें हीरा देना चाहती लेकिन हम कौड़ी के पीछे भागते, मैया हमारे लिए हीरा रखी से चुनकर जो सबसे कीमती है, लेकिन हम भागते हैं कौड़ी के पीछे, कौड़ी बटोरने के लिए। तो भस्मासुर ने अपने लिए माता की हम सुरक्षित रही। कहते हैं कि जो सच्चा रहता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान रहता है, जो मुंह पकड़ता है, जो सीधा मुंह पे बोलता है, इज द मोस्ट हेटेड वन, उसको सब देख के जलते हैं, क्योंकि वो सामने बोलता है, और जो पीठ पीछे जाकर बात करता है, 3 गोल बनाकर भाई दीदी भाई कर बात करते हैं, उनके सब बड़ाई करते हैं। थोड़ा आकर ये कर दिया, थोड़ा आकर वो कर दिया, आज निमंत्रण मिला था, पुराना घर जाकर भोजन बना दिया, अरे बहुत अच्छी है, उनको हम बुलाया था, अरे आके सब काम का संभाल दिया, पर्सनल गेन, अपने के लिए, हमारे बड़ाई चले, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन जो करने वाला, जिसके हेतु किया, क्या किया,
किसके लिए किया? अभी आप लोगों ने जो अपने जो बैंक बैलेंस से निकालकर और जो इच्छा जितना बना आपसे, आपने जो कुछ नागदेव स्थान के लिए किया वो आपने अपने लिए नहीं किया, आपने संपूर्ण सनातन के लिए किया है। आपने विश्व सनातन के लिए मंदिर की रक्षा किया और धन्यवाद के पात्र आप लोगों ने। तो अपने ये यहां वाला अकाउंट नहीं, लेकिन ऊपर वाला अकाउंट में जहां पर ब्रह्मा जी का पुत्र बैठकर खाता लिख रहा है ना, उसके अकाउंट में आपने तो अपना फिक्स डिपॉजिट जमा कर दिया, एक डॉलर दान करके नामदेव स्थान के प्रति आपने तो अपना फिक्स डिपॉजिट, अब उस पर इंटरेस्ट चढ़ रहा है। आप जाओगे वहां ऊपर कैश कर लेना, अब मर्जी आपके ऊपर कितना जल्दी आप जाना चाहते हैं। ठीक है, ये तो आप, ये तो ऊपर वाला कह रहा, क्योंकि मन सोचा हुआ नहीं घर ही सोचा तत्काल, ये आना जाना तो जीवन का हमारा लगा रहता है। तो भस्मासुर ने मांगा था अपन लिए, और जब उनको मिल गया, देने वाला के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब देखो जो तुम्हारा मालिक है, जिनके कृपा से तुम्हारा नौकरी चलता है, रोजी चलता है, वो मालिक जाकर यहाँ वहां अगर तुम्हारे लिए लेकर आता है, अब उसी में आप छेद करोगे, उसी का आप घाटा करोगे, तो भला तुम्हारा घर के रोजी, आप खुद अपने घर के रोजी रोटी जला रहे हो, आप खुद उसमें अपने आप अपना हानि कर रहे हो, अपना शत्रु बन रहे हो आप। इसीलिए कहा कि मानो अपने आप अपना शत्रु बनता है। प्रिय बंधुजन, सुबह उठो, नौकरी पर जाने से पहले परमात्मा को धन्यवाद दो कि आज हम नौकरी पर जा रहे हैं परमात्मा, और धन्यवाद दो कि आज जैसे भी हो सरकार की नौकरी कर रहे हो, किसी की भी नौकरी कर रहे हो, वो चले तो हम चलेंगे, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। ये स्वार्थ नहीं, ये निस्वार्थ हो जाता है कि ना जाने आज ये फैक्ट्री चल रहा है, फैक्ट्री में 200 लोग काम कर रहे हैं, 200 घर चल रहा है, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके घर का चूल्हा भर रहा है, ना जाने कितने लोग अपने जीवन निर्वाह, ऐसा प्रार्थना करो कि भगवान ये फैक्ट्री का और बढ़ती हो ताकि ऐसे लोग का जीवन कल्याण। कितने तो सोचते हैं, अरे मालिक ने हमारा आज पगार काट दिया, फैक्ट्री में आग लग जाए, अरे मालिक पगार काटा एक रोज का, फैक्ट्री जल गया, मालिक तो इंश्योरेंस उठा लेगा, तुम कहां जाओगे? ये कभी सोचा आपने? तो इसको कहते हैं कि निस्वार्थ बन जाए जीवन। भस्मासुर को शिवजी ने वरदान दिया, उसी को जलाने पर तुल गया, बोले कि हम जला दे पार्वती हमारे जी। बहुत लोग कोशिश करी इस पार्वती के अपनाने की, लेकिन नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि शिवजी इतना भोले हैं ना, शिवजी भोले हैं और पार्वती उनके शक्ति है। बोले जेकर पति भोला होकर पत्नी बहुत शक्तिशाली होता है, जेकर पति भोला रे होकर पत्नी बहुत शक्ति, पार्वती तो स्वयं नव दुर्गा है और शिवजी बेचारा भोला, जो उनसे मांगे दे ले जाओ, ये मांगा दे दिया, लंका मांगा दे दिया, विष्णु भगवान जो कुछ मांगा बैकुंठ मांगा दे दिया, कुबेर धन मांगा बोले जाओ, जौन गए शिव जी के पास, जो मांगा दे दिया। अभी आप गए कोई आके आपके गले का हार मांगे आप दोगे? नहीं ना, हम वो देंगे जो हमारे काम का नहीं होता है, हम वो निकाल कर देंगे जो हमारे काम का नहीं होता। ये वाला ले जा, used item। लेकिन शिवजी कहते हैं कि ठीक है, जिसको कोई नहीं चाहता वो मैं लेता हूं और तुम लोग ले जाओ, ये तुम सुखी करो, सुख रहो, जीवन अपना निर्वाह करो। भस्मासुर को भी दे दिया, उन्हीं को दौड़ा दिया। तो भस्मासुर ने क्या किया? भस्मासुर ने क्या किया? पीछा पीछा और भगवान विष्णु ने गिरजा रूप धारण, जिस रूप में वो मोहित था भगवान विष्णु ने उसी रूप में उसी रूप को धारण करके उसका काल बढ़ गया। अर्थ क्या है प्रिय बंधुजन? हम जीवन भर भागते रहते हैं कमाने के लिए, यहां पैसा वहां पैसा, ये वो, ये बनाओ वो बनाओ ये बनाओ, जीवन भर भागते रहते भागते रहते, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है, मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं, सत्संग करने के लिए हमारे पास
जगह नहीं है। हरि का भजन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। कोई मर गया तो मृत लोग वहां शमशान घाट जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम इतना व्यस्त रहते हैं अपने जीवन में, लेकिन जिस दिन हमारा टांग पसर गया लंबे टांग होकर, फिर कुछ नहीं, हम ना कहीं, सब ओल्ड स्टॉप डेड स्टॉप हो जाएगा। फिर क्या करोगे? चार जन फिर उठाएंगे, मुचरी में करेंगे, फिर चार खींचेंगे, धोएंगे, गोटा ब्लास्टा मारकर और तुमको जाकर टूट देंगे, भूज देंगे, बस खलास। यही मानव का जीवन। जन्मो, बड़ा हो, पढ़ो लिखो, कमाओ, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, आराम नहीं। कभी हरि भजन करने का समय नहीं पाया, समय नहीं मिला, मौका नहीं मिला। अरे आप लोग तो भाग्यशाली हो, नवरात्रि में प्रथम दिवस से आप लोग आ रहे हो, माता का भजन कर रहे हो। सावन की बरसे चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया, अपने माटी चुमरिया। सावन की सुना, सावन की बरसे बदरिया, भीगे माटी चुनरिया। Thank you.
जब सब दरवाजा बंद हो जाए जीवन में, आप जीवन से निराश हार जाए, इनसे सब कुछ मुसीबत आ जाए, कभी आपने सच्चे मन से भगवान को पुकारा, मां को पुकारा, कृष्ण जो भी इष्ट है, और आपको उसने दरवाजा दिखाया? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यह समझो कि आप एक भगवान के सच्चे भक्त हैं। कहते हैं कि जब सब दरवाजा बंद हो जाता है, एक दरवाजा रहता है और वह परमात्मा का एक दरबार रहता है, वह मां का दरबार, और उसकी कृपा हो जाए। हम आपको लेकर चलते हैं, भस्मासुर कथा यही छोड़कर हम आपको लेकर चलते अयोध्या नगरी। कथा याद आ गया, चलो अयोध्या नगरी चलते हैं। अयोध्या नगरी में ध्रुव संधु नाम का एक राजा था, और उनके दो पत्नियां थी, एक के नाम था मनोरमा और दूसरी की नाम था लीलावती, मनोरमा और लीला। राजा धर्मशील अयोध्या नगरी अयोध्या में वास करते थे, दो पत्नी, दोनों रानियां का एक दर्जा राजा ने दिया, और कुछ दिनों बाद दोनों को संतान हुआ, लेकिन सबसे पहले मनोरमा को हुआ। मनोरमा का पुत्र हुआ जिनका नाम था सुदर्शन। कुछ दिनों बाद लीलावती को पुत्र हुआ और जिनका नाम शत्रुजित पड़ा, शत्रुजित पड़ा। लीलावती के पिता का नाम था विदुरजीत, विदुरजीत, और उधर मनोरमा के पिता का नाम था वीर सिंह। तो नाते में ये दो नाना हुए, है ना, दोनों बड़े हुए, कुछ दिन लालन पाशन हुआ। एक दिन राजा ध्रुवसंधु चले गए वन को अखेट खेलने के लिए। पहले राजा जाते थे अखेट खेलने, शिकार करने जा रहे थे। उस दिन मां की कुछ ऐसी कृपा हुई कि जो रोज शिकार करता था आज खुद शिकार बन गया, और राजा ध्रुवसंधु सिंह के हाथ मारा गया है, बड़ा सिंह के हाथ उनका देहांत हो गया। तो उनकी दाह क्रिया की तैयारी की गई, दाह क्रिया राजा का निर्माण किया गया। उधर राजा का दाह क्रिया हुआ, फिर तेरहवीं यानी जो दाह क्रिया के बाद में जो हमारा तेरहवीं संस्कार होता है, जो 13 रोज हम बैठते हैं, धर्म सनातन में 13 रोज लिखा है, हमारा दाह क्रिया 13 रोज का होता है। अब कब से लिया जाए, मरे से लिया जाए, दाह क्रिया से लिया जाए, इसमें मत उलझो, मत फंसो, 13 रोज कर दो बस, उतने भूखे हैं। कुल रीति, धर्म रीति और परम रीति, किसी के कुल में 13 रोज मरे से लिया जाए, किसी के दाह क्रिया से लिया जाए, अपन अपन कुल अपन अपन परंपरा तुम लेकर चलो, कौन रोका है? कम से कम 13 रोज तो कर दो, यहां तो 13 रोज रुक नहीं पाए रखे, 3 रोज में एंड कर दो, फिर भी छूट है धर्म में, देश काल समय परिस्थिति देखकर काम किया जाता है, लेकिन उसके प्रति यज्ञ होता है।
ठीक है, हम तो सनातनी लोग सनातन में तो 13 दिन का माना गया है। जब 13 दिन ब्रह्म भोज जिस दिन हुआ 13 दिन, अब उस दिन अब याद करते कि सिंहासन तो खाली है, किसी को तो राज सिंहासन में बैठाना पड़ेगा ना, अब तो राजा का तो मृत्यु हो गया, सिंहासन में किसी को बैठाना है, पुत्र छोटे हैं। लेकिन क्या हुआ, गुरु और मंत्रियों के विचार द्वारा कि जो बड़ा है, जो ज्येष्ठ होता है, वही राज्य का अधिकारी होता है। ये नीति, धर्म नीति अनुसार जो बड़ा होता है, अगर पिता ने विल किसी के नाम पे नहीं किया है तो धर्म नीति अनुसार जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसी के अधिकार में जाता है। ये धर्म नीति अनुसार मैं बता रहा हूं, ये हमारे शास्त्रों के मुताबिक से होता है। तो सब ने मति विचार किया कि चलो सुदर्शन को राज तिलक दे दिया जाए। जब यह बात की घोषणा हुई तो आप जान जाओ ये राम तिलक राज की घोषणा जब हुई कि राम को तिलक दिया जाएगा, ये प्रथा अब से नहीं, पहले से अयोध्या में चला आ रहा है कि उसमें के कई ने भंग किया, मंत्रा ने भंग किया, राम का राज्य रुका, पहले से भंग हुआ अयोध्या में, ये मैं बता रहा हूं आपको से पहले। तो जो शत्रुजीत का नाना था वो सुना कि उधर सुदर्शन को राज मिल जाना, ये पहुंचा, ये तो बलिष्ठ ये राजा था, ये सेना वाला था, उनके पास सेना था, और आकर उधर राजभिषेक हो रहा है, रुका दिया, तुम नहीं हो सकते राजा, तुम्हारा जो पिता था वो शत्रुजीत को अति प्रिय मानते थे, उनको राजतिलक होना चाहिए, जो छोटा था। और ये क्या किया, द्रुसंधु के जो सेना था थोड़ा कम था अयोध्या में, ये जो शत्रुजीत के नाना था ये और सब राजाओं को लेकर और अयोध्या पर चढ़ाई कर दिया कि मेरा नाती ही बनेगा, नहीं तो फिर मैं सुदर्शन का वध कर दूंगा। और ऐसे चढ़ाई कर अयोध्या को अपने अधीन कर लिया। और वो चाहते कि जो सुदर्शन है उनको मार दे, वो नाना चाहता है उधर शत्रुजीत के नाना चाहता है कि इनको मार दिया जाए। लेकिन प्रिय बंधुजन किसी ग्रामी ने कहा कि जाको राखे साइनिया मार सके ना, इस पर कृपा है मां जगदम्बा की, उसका बाल ना भागा है। तो जो उनकी पत्नी थी, क्या नाम थी, मनोरमा, दौड़ी दौड़ी गई, जो मंत्री था राजा उनके पास गई, जो मंत्री था उनके पास, बोले हमारे केवल एक चिराग बचा है, बोले ना मुझे राज चाहिए, ना पाठ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये सब दे दो, लेकिन किसी तरह से मेरे पुत्र को बचा लो, ये मेरा एक ही संतान चिराग बचा है, इसका रक्षा करो मंत्री। तो मंत्री पहले जमाने में जो राज था उसमें एक गुप्त दरवाजा रहता, एक हिडन डोवा होता है, अभी भी उसको घर में नहीं बनाते हिडन डोवा ना, क्योंकि आजकल हिडन डोवा तो है ही नहीं, सब तो ओपन डोवा है। पहले था हिडन था, माते आंचल मुंह पे रख लेती थी, ओढ़नी रख लेती थी, बड़कऊ आए कोई आए ना, बड़ा आवे ना, अब तो सब ओपन डोवा है, ये हिडन डो यहां से है ना शुरू होता था, हाँ अब नहीं रह गया है, अब ओपन डो पॉलिसी हो गए, राइट है, ठीक है चलो, क्योंकि ह्यूमन राइट से हमारी मांगे पूरी करो, हम इक्वल है, चलो भैया कहां पे हम, वाह वो बतलाती है ना। तो मंत्री ने क्या किया, बोले चलो रानी हम आपको एक ऐसा स्थान बताते हैं जहां पर आप सुरक्षित रहोगे अपने संतान के साथ, आप अपने संतान के साथ सुरक्षित रहोगे। और गुप्त जो दरवाजा था इधर, जो शत्रुजीत के जो नाना था वो चढ़ाई करके अब सुदर्शन को खोज रहा मारने के लिए, इधर जो मंत्री था जो गुप्त दरवाजा था, उन गुप्त दरवाजे के मार्ग से इनको महान से बाहर निकाल कर और भेज दिया घने जंगल के मार्ग के रास्ता से जाओ। अब रानी अपने पुत्र को लेकर अब वन में चली, पुत्र को लिया गोदी में, अब कोई सहारा नहीं प्रिय बंधुजन, पति का मृत्यु हो गया, इतना भारी राजपाट था, कुछ नहीं है, आज सेना
कुछ नहीं है आज, जो सेना था वो भी कुछ नहीं। आज रानी जिसके हुक्म पर, एक हुक्म पर इतने हजार सेना खड़े हो जाते थे प्रिय बंधुजन, आज देखिए पासा कैसे पलटा कि आज वो रानी अपने प्राण, अपने बच्चा का प्राण बचाने के लिए वन में भटक रही है, वन में भाग रही है। कहते हैं ना कि ईश्वर का जो चक्र है कब पलटेगा मानव के जीवन में कभी किसी को नहीं पता। कब तुम राजा और कब तुम प्रजा बन जाओगे ये तुम्हारे हाथ का बात नहीं है प्रिय बंधुजन, ये हमारे बात का बात नहीं है, ये तो कृपा उस माता की, उसकी बात की बात है। आज तुम अपने माए बाप को रुलाओगे, कल तुम्हारा बच्चा तुम्हें रुलाएगा। एक बड़ा सुंदर कथा मुझे याद आ गया, दो दंपति थे, उनके पास इतना बड़ा बच्चा था, समझ नहीं लो अबाउट 7 ईयर्स का बच्चा था। तो अपने आजी के साथ घर में था, ये दोनों काम पर से आए, जल्दी जल्दी तैयार हुए, बोले चलो पार्टी में जाना है, पार्टी में है, तो पार्टी में जाना है, बच्चा बेटा हाल से तैयार हो जाओ, पार्टी में जाना है। तो बूढ़ी माँ थी, पतों से पूछी, बेटी आप लोग पार्टी में जा रहे हो, घर में तो अभी कुछ भोजन नहीं बना, आज मेरा तबीयत नहीं ठीक था, मैं खाऊंगी क्या। तो वहां से 1 माइल दूर मंदिर था, नवरात्रि चल रहा था, वहां रोज भोजन बनता था, रोज पकवान बनता था। बेटा को याद था, बहू को भी याद था, हमारे ज्ञान दीपक में भी पहले नवरात्रि में रोज भोजन बनत रहा। अब सरेंडा होने लगे हैं, गिव अप होने लगे हैं, लेकिन माता कृपा रहेगा बनेगा, एक दो दिन में बनेगा, ठीक है, कृपा रहेगी, जितना बने उतने करो, कथा सुनना इसमें क्या गुड़ रस है। तो बहू बोली, बोले हम लोग की देरी हो रहा है, तुम यहां से वो मंदिर चले जाना और खाना नहीं खा लेना। बूढ़ी माँ का तबीयत नहीं ठीक है, ये तैयार होकर पार्टी में जा रहे हैं, बैठा बेटा पीछे मोटर में बैठ गया, जा रहे हैं, बूढ़ी माँ घर पे खाना नहीं है कुछ, वो असरा है मंदिर पर जाकर खाएगी। रास्ते में जब जा रहे हैं तो बेटा पीछे से बोला, पिताजी से बोला, बोले पिताजी पिताजी जब हम बड़ा होएगा ना तो, बोले क्या, बोले हाँ, बोले हम अपन घर मंदिर के बगल में बनाएगा। तो माँ बोली क्यों मंदिर, बोले बड़ा अच्छा विचार है आपका, है हमारा लड़का बोले कितना है गुणवान है, बोले अभी 7 वर्ष की लड़का, लोग तो मांगे अपन घर कहीं बनाए जहां ओशन व्यू मिले, ये व्यू मिले, वो व्यू मिले, 3D व्यू मिले, अप व्यू, डाउन व्यू, सब व्यू मिले, जहां पर हमको इसका इतना मिलियन डॉलर वैल्यू हो जाए, अच्छा अच्छा खोज कर लोग घर। हमारे बेटा देखो तो ये 7 वर्ष में मांगे घर मंदिर के बगल, कौन मांगे वो घंटी सुने, लेकिन मेरे बेटे में तुम क्या सुंदर विचार आ गया है, मंदिर के बगल में घर बनाना चाहता है, धन्य है बेटा। बोले बताओ क्यों मंदिर के बगल में, बोले माँ नहीं नहीं, बोले समय आएगा मैं बड़ा होऊंगा बनाऊंगा, आप भी आजी की उम्र के हो जाओगी, बूढ़ी हो जाओगी, आज आपने आजी को 1 माइल चलने को बताया कि जाकर वहां भोजन कर लेना, आप भी बूढ़ी हो जाओगी, मैं नहीं चाहता कि आपको 1 माइल चलकर जाना पड़े, मैं नजदीक बनाऊंगी, हम लोग पार्टी में जाएंगे, तुमको दिक्कत नहीं पड़ेगा, तुम बगले मंदिर में आके खाना खाए। याद रखना, what goes around comes around, याद रखना, ये कर्ता का चक्र है, किसी को नहीं छोड़ता है। अरे बड़े बड़े चक्रधारी को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े राजाओं को नहीं छोड़ा, हम तो मनुष्य है, याद रखना। किसी समय दशरथ भी कोई कर्म से चुका होगा कि पुत्र वियोग में प्राण देना पड़ा, कर्म उसको नहीं छोड़ा, कोई कर्म था सीता मैया का, कोई कर्म ऐसा था सीता मैया का कि उसको अपने पति से इतने दिन दूर रहना पड़ा, कोई कर्म था होगा, है उसका रीजन, मेरे पास है, मैंने बताया कथा में, पंछी वाला कथा सुने होंगे, श्राप था उनको, पंछी ने श्राप दिया था सीता को, कर्म कोई कर्म था द्रौपदी का,
तो कर्म किसी को नहीं बख्शेगा। प्रिय बंधुजन याद रखना, यह भी समय है। रानी वनवास जाती है, अब कोई जब सहारा नहीं है तो माँ को याद किया, माँ को याद किया, माँ जगदम्बे को याद किया। माँ तुम ही हो, अब कोई रास्ता नहीं है। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरो वाली मैया, एक ईश्वर ये जो बनाता भी है और बिगाड़ता भी है, कारण भी होता है। भगवान हमारे जीवन में सुख भी देता है और दुख भी देता है। प्राणी को जब बहुत सुख होने लगता है प्रिय बंधुजन, तो ऊंचा उड़ान होने लगता है, ये ऊंचा उड़ान, तो फिर परमात्मा उसके जीवन में धीरे धीरे दुख लिखाता है। क्यों? और जब दुख आता है हमारे जीवन में, उसमें परमात्मा क्या करता है? He's trying to collect and put things to the right place. वो ये सब जोड़ता है और सही जगह पर लेकर आता है उसको। तो ये मत समझो कि जब हमारे जीवन में अपधिकार आए, अरे परमात्मा काहे में इतना दुख दे, काहे में इतना बिगाड़ हो रहा है जीवन में हमारे, इत्यादि इत्यादि जो कुछ हमारा निजी जीवन चल रहा है, क्यों इतना बिगाड़ हो रहा है, ये उसमें हताश मत हो। वो समझो कि परमात्मा हमारे जो गलतियां, हमारे चूक है, उसको सुधार कर रहा है और उसको सही जगह पर लेकर आ रहा है। ये इसका पॉजिटिव भी सोचो, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा इसमें। तो बिगड़ी आज रानी बन में भटक रही है, देखो पुत्र को लेकर, और सहारा मांग रही है कि हम जाए तो जाए कहां, पीछे सेना अपार है, हम बचे तो बचे कैसे। कहते जब किसका कोई नहीं होता है ना, रामकृष्ण परमहंस की कहानी अगर आप सुनोगे, रामकृष्ण परमहंस गदाधर था, उनके जो हर एक कोने में मां का मूर्ति बनाकर रखता था, और इतना बड़ा मां का सच्चा भक्त था वो कि मां को पुकारे मां चले आए, दक्षिण दिशा से मां को पुकारे दक्षिण मात्र से मां निकल कर चली आए, इतना बड़ा भक्त था वो मां का, केवल मंत्र का ऐसे कहे मां समक्ष में उसकी प्रकट हो जाए, काली मां प्रकट हो जाती थी रामकृष्ण परमहंस के द्वार पर। एक समय की बात है, एक संत आया उनके द्वार पर, एक संत का आगमन हुआ, और संत का जब आगमन होता है उनके द्वार पर, संत कहता है चलो हम तुमको मार्ग के साथ शाश्वत परिचय करा दे, ट्रू पिक्चर, आपका जो रिश्ता है मां के साथ हम सच्चा संबंध जोड़ दे, शाश्वत मां का हम आपका परिचय करा दे। तो ये क्या कहता है गदाधर ने क्या कहा, ये जो संत था इसका नाम था तोतापुरी, संतों का ऐसे ही नाम थे तोतापुरी। तो ये कहता है कि आप क्या मुझे परिचय कराओगे,
मैं तो जब माँ को बुलाता हूँ, माँ हमको साक्षात दर्शन दे देती है, माँ हमारे समाज प्रकट हो जाती है। अच्छा संत बुलाते ठीक है, जब नहीं है तो हम चलते। संत चला गया। उस दिन ये भल भल कोशिश करे माँ को बुलाए, माँ का है आओ, माँ को बुलाता है, मंत्र का जाप करता, ओम ह्रीम क्रीम चामुंडा विचय नमः। माँ क्यों आवे, बल तक हो गया, रोने लगा, सुबह से शाम हो गया, रात्रि काल हो गया, हवन कुंड में जितना आहुति था देने को, लेकिन माँ काय प्रकट हुए, थक गया, बल थक गया, रोने लगा, और जब एकदम निराश हताश हो गया, तब काली मैया प्रकट होती है, आती है। तो परमहंस रामकृष्ण कहते हैं, गदाधर के रूप जो था, पूछता माँ हम सुबह से तुमको बुलाते हैं, पहले तो यूं ही मंत्र का आप प्रकट हो जाती, हम सुबह से आपको बुलाते हैं, आज आप क्यों नहीं? बोले हम तो आ तो गए, लेकिन आज इतना देर क्यों लगा दिया हमने? तो माँ गई थी, हम आई थी, हम आए थे, लेकिन आपने हमको पहचाना नहीं। कैसे आए थे? बोले कोई संत आया था आपके द्वार पर। और क्या कहा था? बोले हाँ आया था, वो कहा था कि चलो हम माँ के आपका सही परिचय करा दें। तो बोले ये तो आप जो मुझे रोज पुकारते थे वो तो ठीक था, ये जो आप मुझे रोज मैं प्रकट हो जाती थी वो तो आपका भक्ति था, लेकिन सही परिचय, सही गरिमा जो था, अरे रामायण में भी आया है, अब मोहे भाई भरोसे हनुमान ता, अब मोहे भाई भरोसे हनुमान ता, बिनु हरि कृपा मिलाए नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलाए नहीं संता। अरे बिना भगवान के कृपा से संत का दर्शन नहीं होता है। माँ कहती है हमने तुम पर कृपा किया और संत को तुम्हारे भेजा ताकि जीवन का सही परिचय तुमको करा दे, और तुमने उसका तिरस्कार कर दिया। जब भगवान की कृपा होती है हमारे जीवन में प्रिय बंधुजन, तब हमारे द्वार पर ब्राह्मण आता है, हमारे द्वार पर संत आता है। ऐसे कहते हैं कि किसी भी अवस्था में रो, अगर तुम्हारे द्वार पर एक ब्राह्मण आ जाए, एक साधु आ जाए, एक संत आ जाए, तुमको निकल कर दौड़ कर उनका स्वागत करना चाहिए द्वार पर। ऐसा न हो कि ब्राह्मण अंदर आए तुम अंदर उनका स्वागत करो, तुमको निकल कर उनको द्वार, क्योंकि ये हरि कृपा से, बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा होता है प्रिय बंधुजन, ये बात को गाठी मारकर आप रखो। लोग चाहते हैं कि अपने द्वार पर हम इतना दिवस के रामायण करें, हम भागवत करें, हम ये करें, हम वो करें, लेकिन कर नहीं पाते, उनको समय नहीं मिलता है। क्यों? क्यों समय नहीं मिलता है? क्योंकि माँ का बुलावा नहीं है, भगवान की कृपा नहीं उन पर, तभी नहीं हो पा रहा है। जब भगवान का कृपा होगा, अरे भगवान की कृपा, कितने लोग साल में तीन तीन चार चार बार अपने द्वार पर रामायण कथा इत्यादि भजन भाव कराते रहते हैं प्रिय बंधुजन, क्योंकि उस पर वो नहीं, उसका पैसा नहीं बोल रहा है, ये माँ भगवती, ये परम कृष्ण का कृपा उन पर है, तब वो कर रहे। आज देवी मैया की आराधना करती है हा? तो ऐसे प्रिय बंधुजन, तब राजा, तब परमहंस रामकृष्ण परमहंस को ज्ञात हुआ कि संत ही एक होता है। इसीलिए कहा गया ना कि करण धा सत गुरु दीरनावा, दुर्लभ साज सुलभ हरि पावा। आज हरे रामा हरे कृष्णा जो अपना वो लेकर चल रहे हैं, उनका उनका मार्गदर्शन कौन कराया? उनका गुरु है, उनका गुरु ने उनका मार्गदर्शन कराया, तो गुरु संत रूप हुए। जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन कराया जाए, समझ लो वो संत हो गए, उन्होंने हमारे अंधकार रूपी मोह रूपी हमारे जीवन में प्रकाश प्रदान कर दिया। ये कब होगा? ये कब ये सूर्य उदय होगा? ऐसा ना करे प्रिय बंधुजन, कितने दिवस हो गए मूर्ति स्थापना हमारे है? जब देखो बस यही लोग, वही जनता, वही
महेश चंदन फैमिली, शंभूलाल एंड फैमिली, जगदीश प्रसाद एंड फैमिली, मास्टर यहाँ जो देवनारायण एंड फैमिली, त्यागी त्यागी, और यहाँ रमेश चंद जो और इतने लोग जो है आनंद भाई के सबके नाम नहीं ले पाया, क्षमा करना, ठीक है, वही करो बाकी हम लोग के माता नहीं है। जब मुसीबत पड़ी गुंडले का लाइक आस्था कर लेना अच्छा से आप लोग प्रिय बंधु जन। क्या हुआ था, माता दुर्गा का मंदिर बनाकर और बंद करा दिए थे, वही नाना अगर हमारे आज जो नहीं हमारे समक्ष में, उन्होंने जाकर उसी ग्राम में जाकर और फिर रक्षा किया माता का, जाकर स्थापना कराया। प्रिय बंधु जन याद रखना, इसीलिए मैं कह रहा हूं लोग चले जाएंगे, हम लोग सब दिन नहीं आ रहेंगे, टाइम इज गोइंग, एज इज गोइंग, अगर बच्चों में सही ज्ञान और संस्कार अभी नहीं डाले माता के प्रति, तो फिर दुख कम उठाएगा, आप ये जानो अच्छी तरह से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत ने क्या लिखा है, भगवान कृष्ण ने क्या कहा, हे योग माया देवकी का सातवां गर्भ निकालकर रोहिणी तक पहुंचा दो। और ऐसा कार्य करने में कलयुग में लोग जगह जगह पर तेरा मंदिर का निर्माण होगा, भगवान कृष्ण का वरदान है। प्रिय बंधु जन आज बूढ़ा जिला में अगर माता का मंदिर है, धन्य मानो, सब साधु पूरा जिला में खोज लो, आज बूढ़ा तो घमंड होना चाहिए, हमारे जिला में एक माता का सच्चा दरबार है, भगवान कृष्ण का दिया हुआ वरदान और प्रसाद रूप माता दुर्गा यहाँ बैठी हुई है, किसी का कुल का देवी नहीं है, ये स्वयं साक्षात आदि शक्ति जो दुर्गा मैया है। प्रिय बंधु जी धन्य मानो, आज अगर हम सुरक्षित है इस गाँव में, आज हमारा मंडली एक सूत्र में बंधा है, तो किसकी कृपा से, किसी मैया की ना, किसी पे हम जोर लगाते ना कानून, लेकिन मेरा मेरी माँ की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी माँ की कृपा से सब काम हो रहा है, का बीरा उठाना कोई मामूली बात नहीं है, एक जमीन के लिए 250,000 का बीरा उठाना कोई मामूली बात नहीं है। प्रिय बंधु जन और इसी मंदिर में हमने अष्टमी में उसका निर्धारण किया था, चार रोज में हमने 4,000 से ऊपर पैसा जाकर जमा कर दिया, कैसे हुआ, फिर 3 हफ्ता लगातार यहाँ पर हमने शेड बनाकर माता की गोद में बैठकर यहाँ फंड रेजिंग करके आज हमने 250,000 पैसा का उठा लिया, किसकी कृपा, कहा शक्ति कहां है, ये किसने हमको प्रेरणा दिया, ये आदि शक्ति मैया, कहां भूले हो, कहां सोए हो, सब वो कर रही है, नाम किसका चले, हम लोग वी आर इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कारपेंटर या ज्वेलर जाता है ना फर्नीचर बनाने के लिए, तो उसके पास टूल्स होता है, उसको इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, मशीन्स होता है, और बना दे तो कितना सुंदर कार्य, कितना लोग वाहवा करते है, लेकिन करने वाला तो ज्वेलर है, लेकिन जो मशीन केवल कार्य रूप था, ऐसे कराने वाली आदि शक्ति मैया है, हम कभी उसके करने वाले बन गए, बस आज वो मां पुत्र के लिए बिलख रही है, तो कृपा हो प्रभु, जब भगवान कृपा होता है प्रिय बंधन, जब मां की कृपा होता है, तो ऐसे संतों का आगमन हमारे जीवन में होता है, और ऐसे हमारे जीवन में उजाला होता है, प्रकाश होता है, आज जब मनोरमा भटक रही है कहां हम जाए, किसके शरण में जाए, तो मां का जब याद किया कि सहारा दे दे, हे मां आप कोई नहीं बचा, तू ही मेरी लाज रख ले, तो मां ने उन पर कृपा किया, और आदि शक्ति मैया क्या करते हैं, एक संत को उनके पास भेज देते हैं, भरद्वाज नाम का ऋषि, जो ऋषि भरद्वाज था, वो उनसे भेंट होता है, और मनोरमा और दर्शन को लेकर भरद्वाज जी अपने आश्रम में लेकर जाते हैं, ऋषि के आश्रम में सुदर्शन का पालन पोषण होता है।
सबसे पहले भरद्वाज जी ने उनका क्या किया, उपनयन संस्कार करता है। 16 संस्कार में एक संस्कार है उपनयन संस्कार, मालूम है? उपनयन संस्कार क्या है? नहीं, अब हम के नेत्र है, नेत्र में मेकअप तो बहुत लगाते हो, वो संस्कार तो है ना। कौन कौन मेकअप लगे पति अभी बताओ, है काजल नीचे लगे ऊपर आई लैशेस में कौन सी लगे, है फिर आई लिड में यूं भी तो लगे ना, सब है ना। हाँ, नयन संस्कार इसके बोले नयन संस्कार जो लिपा पोती चले, इसको नयन संस्कार बोले। लेकिन उपनयन संस्कार क्या होता है प्रिय बंधुजन? उपनयन संस्कार ये हमारा जो यहाँ द हिडन द डिवाइन आय, इसको डिवाइन आय कहा गया है। उपनयन ये ब्रिकुटी, इसीलिए जहां हम ध्यान करते ओम नमः शिवाय जब बोलते हैं ना, ये नेत्र बंद होता है और हमें तीसरे नेत्र हर एक प्राणी के अंदर होता है, वो जहां हमारा गुरु होता है, जब हमारा उपनयन संस्कार ये तीसरा नेत्र हमारा खोलता है, जिस तीसरा नेत्र से हम परमात्मा से वो ध्यान करते, इसीलिए हम आंख मूंदते। लोग कहते हैं क्यों आंख मूंद कर, क्योंकि हम जब आंख मूंदते हैं तो हमारा ध्यान हमारा नयन सांसारिक विषयों से दूर हो जाता है। We don't see anything. आप ही खोल के पूजा करोगे तो आपको एक एक सुंदर सुंदर वस्तु दिखाएगा, लस्ट उसमें आ जाएगा, वो ऐसे पहरी, वो ऐसे पहरी, हाँ हरि भजन बिना देखो नाम मुख में कीर्तन चले लेकिन आंखी का जो है वो कहां चल रहा है, कहां देख रहा है। इसलिए आंख बंद करके माँ जगदम्बा को या कृष्ण को या राम को हम तीसरे नेत्र से देखने की कोशिश करें। माँ का विग्रह भीतर है लेकिन एक बार देख लिया वो विग्रह को इस नयन में नहीं, उपनयन संस्कार करो, यहां पर खोल कर बिखारो। घर पर भी हो तो माता का वो चतुर्भुज रूप ध्यान होना चाहिए। और पहले सबसे पहले भरद्वाज जी ने माँ का सुदर्शन का उपनयन संस्कार कराया और फिर तो माँ की कृपा सुदर्शन पे हुआ। भगवती माँ ने क्या किया, सुदर्शन को आत्मबल, देखो बहुत प्रकार का बल होता है लेकिन सबसे बड़ा बल है आत्मबल, जो अपने आप पर विश्वास रहे, आत्मबल सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, अपने आप पर विश्वास करना कि मैं, हाँ भले कोई माने या नहीं माने मैं तो मानता हूं, मेरा धर्म है, मेरा धर्म सनातन है, तुम मानो चाहे नहीं मानो हम तो मानते हैं। कोई कहता है तुम जाकर पत्थर की पूजा करते, तुम जाकर मूर्ति, तुम्हारे लिए पत्थर होगा, तुम्हारे लिए मूर्ति होगा, स्टेच्यू होगा, हमारे लिए हम उसमें हम अपने परमात्मा देखते हैं, बस स्ट्रॉन्ग इनफ। ऐसे मां जगदम्बा की कृपा से चारों वेद पुराण 18 शास्त्रों का और सभी कलाओं का ज्ञान सुदर्शन में आ गया, दर्शन बड़ा हो गया। उधर राज शत्रुजीत कर रहा है, उनका छोटा भाई राज उनको मिल गया, वो कर रहा है राज, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था, गुरु का शिक्षा नहीं था, और क्या हो गया प्रिय बंधुजन, अच्छा राजा नहीं बन सका, कुकर्म करने लगा, उनकी जगह जगह पर निंदा होने लगा शत्रुजीत का, क्योंकि जिसका नाना टेढ़ा होता है, जिसका नाना चाबी घुमा दे उल्टा तो नाती भी ऐसा नाचेगा। छोटे पे नाना एक झापड़ अच्छा मार दे, नाती एकदम अच्छा नाच नाचता है, छोटे पे नाना बहुत दुलार प्यार करके नती बिगाड़ दी, अब नाती अपन कला दिखाओ। इसीलिए उस समय माताएं लोग पहले क्या कर देते हैं, कुछ था बस भीतर ले चलो, अब इनके प्रसाद देखते, पहले प्रसाद मिल जाता सब ठीक रहा, अब तो प्रसादों नहीं मिले घरे, क्योंकि अब राइट से आ गया, मारोगे हम पुलिस बुला देगा। पहले जैसे गुड़िया में चाबी भर दो तो गुड़िया बोलती ना, और नाचती तो कभी कोई चाबी की जरूरत है, लेकिन आजकल चाबी नहीं इसको भरी प्रॉब्लम है, मोबाइल फोन है, अभी तुम भरो अभी हम पुलिस भरेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सुदर्शन जो था, सुदर्शन का कीर्ति ज्ञान
जो उनका आत्मबल था, भले वो राजा नहीं है लेकिन राजा का पुत्र है, ये अब चारों दिशाओं में गूंजने लगा। मां जगदम्बा सोचती है अब चलो न्याय का समय आ गया, माता न्यायाधीश है, बोले इसीलिए उसको कहा गया सच्चा दरबार, साचे दरबार, माता न्यायाधीश है, वो न्याय करने वाली। आज तुम्हारे साथ कोई गलत किया है निराश मत हो, आज अगर तेरे बेटी पर किसी ने उंगली उठाया है दिखाया है, एक उंगली आप सहन कर लो, माता की कृपा होगी प्रिय बंधुजन, उसका भी कहीं ना कहीं पर बेटी या बेटा होगा और वो लौट कर आएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कभी भी किसी पर उंगली किसी की बेटी को कुछ बोलने से पहले या बेटा को बोल पहले अपन क्या करो, अच्छा से अपन पहले सोच लो क्यों देना उचित है। कभी कभी लोग ऐसे संग बात कर देते ठेस कर जाता है ना, छापड़ मार लो ठीक है लेकिन बात नहीं बोलो, मंदिर आओ भक्ति करो पूजा पाठ करो बस, जिसका पाप वो जाने है, तुम क्यों लाते हो। कभी कहते हैं विधवा स्त्री ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, अरे हर इंसान को परमात्मा ने रचना किया है, एवरी बॉडी इज इंडिविजुअल, भक्ति करो, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिनु सतसंग ना पावे रानी, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट किसी के कब्जे में नहीं है, भक्ति हर मानव का अधिकार है, आप कहीं पर बैठकर भगवान की भक्ति कर सकते हो, ना मैं ना महेश ना कोई भी ट्रस्टी ना पेट्रन आपको मंदिर आने से रोक सकता है, ये सबका दरबार है, आओ भैया पूजा पाठ करो, हाँ बस इसका देखभाल करना ठीक है। आगे क्या होता है, तो काशी देश के राजा सुभाव की बेटी थी, इसका नाम था शशिकला, कितना सुंदर नाम है शशिकला, और माता जगदम्बिका चाहती कि सुदर्शन का विवाह शशिकला के साथ हो जाए, माता चाहती कि हो जाए, तो क्या किया काशी जो नरेश जो था सुभाव, जो काशी देश का राजा सुभाव था, बेटी सुशील थी, बहुत सुंदर थी, तीन लोक में सबका आंखी उनके पे था, और वो अपने बेटी का स्वयंवर रच दिया। इधर माता जगदम्बिका सोचती है कि चलो इनका विवाह सुदर्शन के साथ होना चाहिए, माता ने क्या किया शशिकला के अंदर प्रवेश कर गई, मैया अब न्याय करना चाहती है सुदर्शन के साथ, शशिकला के अंदर प्रवेश कर गई और शशिकला को बतलाती है कि तेरा लिए हमने योग्य वर ढूंढ लिया है, और सुदर्शन का फोटो उनके हृदय में दिखला दिया, सुदर्शन का जो फोटो था मैया ने वादा कर दिया। देख लो ये आएगा स्वयंवर में, इनके गले में माला डालना, वैभा कर दिया उस समय, देखो वैभा का भी तो आप निकाल लेना, भैया ने दिखा दिया उसको, नहीं विश्वास पड़े देवी भगवत प्रणाम लिखा ने उसमें, वैभा ने लिखा ने लेकिन मैया ने अंतरिक्ष में वो शब्द आया है, मैया ने अपने योग, जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध होता था और कौन बैठकर है राजा धृतराष्ट्र को कहानी सुना रहा था पूरा, कौन किसका क्या नाम है उसका है? संजय को दिव्य दृष्टि था कि नहीं, संजय ने पूरा महाभारत का इतिहास युद्ध कांड जो हो रहा था यहां बैठे बैठे हसनापुर में वो दिव्य दृष्टि से देख रहा था, हा? पूरा फिल्म धृतराष्ट्र को दिखाया, पहले के जमाने में दिव्य दृष्टि सिठिया एंड व्हाट वाज हैपनिंग वैसा था, दिव्य दृष्टि से देख लेते, गिद जटायु का तो आंखें कितना दूर जाता, संपत्ति कितना दूर देखता था, रामायण में सब है ना, हाँ अब वो सब साइंटिस्ट निकाल करके व्हील चेक कौन चेक फेस चेक एज चेक सब चल रहा है अब निकाल रहे हैं, अब ये हमारे धर्म से सब निकला है। तो शशिकला को माता ने सुदर्शन का छापा वादा कर दिया, शशिकला देखकर हाँ ये हमारा दूल्हा, कि अंदर तो मैया बैठी है, मैया ने उनको प्रसन्न करा दिया। अब इधर स्वयंवर का तैयारी हुआ, देश देश के राजा सब आए, तो इधर सुदर्शन के मन में भी मैया ने कहा कि जाओ तुम भी स्वयंवर में जाओ अपन मैया को लेकर, और मनोरमा ने अपने पुत्र को लेकर स्वयंवर की ओर चल पड़े। उधर देश के राजा और अयोध्या के राजा उनका छोटा भाई शत्रुजीत अपने नाना जी के साथ, और वो भी स्वयंवर में पहुंच गए, बड़ा भीड़ लगा। सबसे पहले तो शत्रुजीत जाकर बैठ गया ऊंचा आसन पे, हम अयोध्या के राजा हैं,
क्योंकि सोता अरे हम ये है ना सर झुका नहीं सकते, लेकिन माँ के दरबार में सबका सर झुकता, सब इक्वल रहते हैं। अब स्वयंवर में क्या हुआ ये तो कल पता चलेगा ना, है ना। दुर्गा मैया आना मेरे द्वारे रे, हाँ दुर्गा मैया आना मेरे द्वारे रे, या जगाम करूँ याद रे दुर्गा मैया, दुर्गा मैया आना चा पिता
ओमस्तु मा सद्गम्या तमसु मा ज्योतिर्गम्या मृत्यु मामृतं गम्या स्वस्ति प्रजाभ्या लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् पौत्रीणां सन्तो पौत्रीणां हृदिनां सहनां हाथों को जुड़े माँ भगवती से विनय करें कि माँ आज पांचवे दिवस के अंतर्गत में यज्ञ पूजन करने में हमसे कुछ भी भूला चुका हो सो माँ भगवती हमको क्षमा करें। हम जगत में आप पूर्ण है, माँ पूर्ण ब्रह्म आप है, सो ऐसे में माँ तेरा तुझको अर्पण क्या है। ओम नमांसि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यद् पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे सर्वदा। मैं ऐसी प्रार्थना करें कि हे माँ अंत समय जब आए मेरा सांसों में तेरा नाम हो, छवि हो आँखों में तेरी, मन तेरे चरणों के पास हो, जीवन भर तो निभाया है बस इतना और निभा देना, क्षमा कर सब पाप मेरे माँ तू अपने धाम को बुला लेना। ओम भव शांति अंतरिक्ष गो शांति पृथ्वी शांति राह पार शांति रोष धरा शांति वनस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति देवि ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वते पते हर हर आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं। पांचवी रात्रि में कथा प्रसंग इत्यादि ब्राह्मण को याद ध्यान करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आकर और जो पांचवी रात्रि की पूजन था विधि को पूर्ण किया। कल ठीक 6 बजे यहाँ पर तिल पूजन शुरुआत हो जाएगा। किसका पानी और कौन प्रसाद ये हम माँ के हाथ पे छोड़े हुए नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन सभी के लिए मौका है। अगर आप चाहो फूल प्रसाद इत्यादि लेकर और 6 बजे पहुंच जाए और पूजा में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद। प्रसाद का पान करें, भोग लगाएं। कृष्ण कहे दुख जान महिमा महाप्रसाद पाप श्याम राम चंद्र की राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की। जी हाँ, सुधार बात ही सबको हाथी हाथी धन्यवाद दे रहा हूँ कि साथी पूर्वक कथा को श्रवण किए। आज जो ज्ञाधिपक महिला मंडल के जो सदस्यगण थे अपनी पारी को लिए हुए थे, बड़े श्रद्धाभक्ति से माता के चरण में गुलाल प्रसाद चढ़ाए, माता से भी प्रार्थना करते माता सबको रक्षा करें।
कमाई में बढ़ती थी, जो मनोकामना हो और अवश्य पूरा करें। कल का जो पानी कुछ लोग हैं तैयार है करने के लिए, समय पर आ जाए ताकि पंडित समय पर आ जाएंगे और उनके पूजन होगी, उसके बाद कथा को पुनः आरंभ करेंगे। जी हाँ, आज की कथा को श्रवण करते हैं, आज कथा को श्रवण कराते हुए श्रीमान श्री मास्टर शिव दयाल जी प्रवास से अपने माता पिता जी को साथ लेते हुए माता के चरण में 25 दुर्ग अर्पण करते हैं। माता से भी निवेदन क्या करते, माता को रक्षा करें, इनके बच्चों को रक्षा करें, छत्ता रखें, जो भी मनोकामना हो और अवश्य पूरा करें। प्रेम से बोलो दुर्गी माता की जय। पंडित जी बतला रहे हैं हमें कि शुक्रवार को माता सरस्वती की विशेष पूजा रहेगा, ठीक है। साथ साथ में श्रीमान श्री दिनेश चंद्र परिवार सहित आज अपने माता जी को साथ लेते हुए ना भूलते अपने पुत्र शानव पुत्र वधु को साथ लेते हुए बच्चों सहित माता के चरण में 5 दिन